युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी के कारण पूरी अधीन हो चुकी है और इसकी वजह से बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत का सपना कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। ऐसा नहीं लगता कि आपको? इसके ऊपर आपका क्या विचार है? बाबा साहब का जो प्रबुद्ध भारत का जो सपना था, हाँ, प्रबुद्ध भारत मतलब बुद्ध के विचारों का भारत, बरोबर, मैं ये मानता हूँ। हाँ, और बुद्ध के विचार क्या थे? समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता, बरोबर, ये जो मानवाधिकार है, मानवीय मूल्य है, हाँ, इस विचारों का अमल यानी प्रबुद्ध भारत। हाँ, अच्छा, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता, ये जो मूल्य है ये भारत के संविधान में है। हाँ, अगर कोई कहेगा कि हमें बुद्धमय करना है भारत, तो मैं तो ये कहूँगा कि भारत बुद्धमय करने के बजाय भारत को संविधानमय करो। हाँ, भारत का जो संविधान है अगर सही मायने में अगर इंप्लीमेंट हुआ, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष है। हाँ, क्योंकि बुद्धमय भारत की अगर बात की तो लोग कहेंगे कि बुद्ध के विचारों का है, वो फिर हिंदू अलग है, इस्लाम अलग है, क्रिश्चियनिटी अलग है। हाँ, फिर वो भी हमारे अपने विचारों की बात करेंगे। हाँ, कि भाई हम भी हिंदू भारत निर्माण करेंगे करके, इसलिए हमें संविधान भारत निर्माण करना है। और संविधान भारत क्या है? संविधान क्या चाहता है? इक्वालिटी चाहता है। हाँ, न्याय चाहता है, भाईचारा चाहता है, तो समता, स्वतंत्रता और सबको आजादी चाहता है। हाँ, तो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता, ये जो मानवाधिकार के जो मूल्य है ये संविधान में है, और संविधान को अमल करने की जिम्मेदारी शासकों की है। और शासक, आज के शासक ये नहीं चाहते कि वो संविधान अमल हो, क्योंकि संविधान अगर अमल होता है, हाँ, तो अभी अगर आप देखते होंगे, अगर वो महात्मा फुले की सीरियल चल रही, हाँ, तो महात्मा फुले के सीरियल में महात्मा फुले जी ने लड़कियों की जब स्कूल खोली, हाँ, तो ब्राह्मणिकल सोसाइटी ने कितना विरोध किया। हाँ, आज भी जो जारी है वो उसमें से सीख मिलती है। तो आज तो उस वक्त तो इनके हाथ में पावर भी नहीं था, अंग्रेजों के हाथ में पावर था। हाँ, अंग्रेजों के हाथ में पावर होते हुए भी ये विरोध करते थे, लेकिन अंग्रेज जाने के बाद में पावर यहाँ के हायर कास्ट सवर्णों के हाथ में आए। तो इनके हाथ में आने से, और आज तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गए वो। हाँ, वो इतने शक्तिशाली हो गए कि वो नहीं चाहेंगे कि संविधान पे अमल करके सारी इक्वालिटी हो जाए, सारे लोग समान नीच पे आ जाए। तो इसलिए वो पुराना मनुवाद, हाँ, पुराना वो सवर्णवाद, पुराना मनुवाद, पुराना जातिवाद नए सिरे से लाना चाहते हैं। हाँ, और इसलिए इसको अगर रोकना है तो भाजप कांग्रेस कोई अलग अलग नहीं है। हाँ, उसको कहते हैं कि कांग्रेस ठीक थी, हाँ, भाजप तो कांग्रेस ठीक थी, तो 45-50 साल में संविधान की ऐसी तैसी किसने की? संविधान की ऐसी तैसी तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा की। हाँ, क्योंकि उन्हीं को ज्यादा मौका मिला, भाजपा को तो थोड़ा सा मौका मिला, तो उन्होंने तो कचरे में के डिब्बे में डालने की बात ही कही डायरेक्ट। कांग्रेस ने बात नहीं की, उन्होंने कर डाली, कर डाली। इन्होंने तो किया नहीं लेकिन बात कर डाली। हाँ, तो लोग सतर्क हो गए। तो अगर संविधान को बचाना, क्योंकि संविधान के आधार पर ही हमें राइट्स मिले हैं। हाँ, संविधान के आधार पर आज जो हम लिख पढ़ के जो आगे आए हैं। हाँ, संविधान, पार्टी बना सकते, भाषण दे सकते, कुछ अखबार निकाल सकते, उनके खिलाफ में बोल सकते, हाँ, निदर्शन कर सकते, ये जो सारी आज़ादी है हमें जो मिली है वो संविधान ने दी है। और संविधान की, आज संविधान को अगर हम नहीं बचाएंगे तो ये हमारी अपनी आज़ादी जो है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए संविधान को बचाने के लिए संविधानिक संस्थाएं पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ, तो संविधानिक संस्थाएं पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी चाहिए। और फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा की जो बहुजनों की पार्टी है, BSP पार्टी है, ये ही उसको बचा सकती है। हाँ, ऐसा मुझे लगता है, और इसलिए उसके हमने साथ में रहना चाहिए। बरोबर सर, बहुत ऐसा लगता। बाबा साहब के अनुयायी को समता के पथ पर चलाने के लिए आपका क्या संदेश होगा?